हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे बाबा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे गजानन भूत गणाधीशे काम कपेत्र जंबो भय चारु महासुतं शोक विना सकारकं नमामि पार्वण्यरोषो भक्तस्वभाव प्रेच्छामि त्वां धर्मसंमोदचेता यस्य यस्यान्निश्चितं रोहितं ये शिष्यस्ते कविं पुराणमनुशासिदार मनोरमीयां समनुस्मरेत्या सर्वस्य भागागमचिन्त्यरूप मागेत्य वर्णं तमस पश्यामि देवास्तवदेवदेह सर्वास्तथा भूतविशेषसंग्रहा ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थ नृसिंह सर्वा अनेकबाहुर्वक्त्रनेत्रा पश्यामि त्वां सर्वपूर्णरूपं मान्तं नमध्यं न पुनस्तवादे पश्यामि
के परमेश्वर के नाम गरिणाम चक्रिणाम चे गो राशे सर्वतो दीप्तिमान्तं पश्यामि मान्दो निरीक्षं समन्तात् पित्कानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतगर्भगो सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादि मध्यान्तमनन्त वीर्य मनन्त बाहु शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत क्षवक्त्वं स्वेदसावेश्वमिदं अपन्तं द्यावाग्रुधेयो जिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न देशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्रन्तवेदं लोकत्रयं प्राव्यधिकं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घाय सन्ति केचिन्मे प्राञ्जलयो स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्पलाभि रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेश्विनो मरुत सोष्णाश्च गन्धर्वयक्ष सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते स्मितास्यैव सर्वे सानेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिता कृतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च देनामे गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं हेतास्ति वेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं ईश्वरमन्त्ररूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
कवितामहस्ते सुसहस्र नमः पुरस्तारकृष्टदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तरीया निकविक्रमस्तु सर्वम् अभेदि मात्वा सर्वयदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहिमान अवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन भावि चारसार्थमशक्तिदोषी विहाय शैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमक्षं तत्क्षामयित्वा महमा पिताशिलोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय गायं प्रसादयित्वा महमीश वीर्यं हेम पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियप्रियायार्हसि अमेव माता चरिता तमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं तमेव त्वमेव सर्वं मम देव राम। श्री गीता जी का पाठ 17वां अध्याय श्लोक संख्या 11 से 20 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु कमलाकांक्षिहीर्यज्ञो यदि दृष्टो यीज्यते यस्तव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विक अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यः यज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं वेद्धिराजसं विधि नमश्रेष्ठान्नं मांसहीनमदक्षिणां श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरु प्राज्ञो
जनम सौसमार्जवान् ब्रह्मचर्यमहूर्तात् शरीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भावसंशोधिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन सैवय क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तप परस्यो साधनार्थं वा तत्तामसमुदाधितम् दातव्यमिति यद्दानं बीजतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् दातव्यमिति यद्दानं बीजतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण राम राम राम।
यह प्रवचन परम सदेव स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 13 विक्रम संवती 2051 तदानुसार 21 जून 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम 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 राम। भगवान के शरण हो जीव मात्र में सहारा लेने की आदत है, स्वतः क्योंकि ये परमात्मा का अंश है तो परमात्मा को भूल गया। अब सहारा लेता फिरता है किसका नहीं पता नहीं, धन का लेता है, शरीर का लेता है, बल का लेता है, जनता का लेता है, तपस्या का, त्याग का, कई तरह का सहारा लेता है परंतु पूर्ति होती नहीं। जैसे कोयला है वो आग से बिछुड़ने से काला हुआ है, वो आग में मिलने से ही चमकेगा। स्वास्थ्य कहावत आती है कोयला हो जाने उजला 100 मन साबुन लगा है, 100 मन साबुन लगा दे हो जाएगा। ऐसे दूसरा आश्रय लेना है ये साबुन लगाना है, जिससे बिछड़ा है उसके साथ मिलने से सब उठे। ये संत है, ये महात्मा है, बड़े ऊंचे दर्जे के, उसके साथ संबंध हो गया, जितना जैसे संबंध हो गया उतना चमक आ गई, सर्वथा हो जाए तो सर्वथा चमक आ जाए, नहीं तो सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म को ना सही तब संग मात्र से ही होता है सुख सर्वंग मात्र। तो प्रभु के चरणों का शरण ले लिया, हरि शरणम, भगवान ही हमारा तो आश्रय है। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम है सातक तुलसीदास। एक प्रभु का आश्रय ले ले जो सर्वोपरि है, आश्रय ले शरण ले तो फिर छोटे में क्या ले बड़े कोई जग जाती है कोवन जाती है जो जिये जाती है जाने की जाने ही रे, किसी से ही मांगे नहीं, मांगना बड़ा नीचा है। जही जाचे तो जाचकता तेरी जात, जिससे मांगने से मांगना ही खत्म हो जाए सदा के लिए, मांगना पड़े ही नहीं। जो जा रहे थे जोर जहां नहीं रहे, अपने जोर से जहान को जलाने वाली जाचकता ही जल जाए, उनको आवश्यकता रहे पूर्ण पूर्ण हो जाए पूर्ण। तो प्रभु चरणों का सहारा है ये बहुत ही बढ़िया है। ज्ञान की प्राप्ति से परतंत्रता मिटती है, स्वतंत्रता आ जाती है, परंतु वो सहारा नहीं मिलता है जो भक्ति से मिलता है। इस वास्ते गीता में जहां ज्ञान का वर्णन है वहां आचार्य उपाश्रम आया है, ज्ञान मार्ग में गुरु का आश्रय बताया, नहीं तो चेता है कौन वहां। भक्ति में वो नहीं आया, भक्ति में तो भगवान है चेताने वाले। भक्त होता है वो अपना बल नहीं मानता है, अपनी निष्ठा नहीं है, वो तो भगवान निष्ठा है, भगवान के आश्रित है। भगवान कहते हैं मेरे प्रौढ़ स्तन सम ज्ञानी बालक शिशु सम दास अमानी करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे महतारी। माता जैसे बच्चे का पालन पोषण करती है ऐसे भक्त का पालन मैं करता हूँ, करो सदा तेरी रखवाली, सदा ही उनकी रखवाली करता हूँ।
तू बालक है और ज्ञानी तो ब्रह्म से नीचे पैर रखता ही नहीं। सेठ पूरा ही है, वो स्वतंत्रता है, वो रक्षा की जरूरत ही नहीं समझता। स्वयं है आपने आप स्वयं में तो स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता दुखदायी होती है जहाँ दुष्टों की होती है, ऐसा हितेशियों की होती है वो स्वतंत्रता बहुत आनंद देने वाली है। उसको तो बताया अद्वैत आदि सुंदरम भक्त्यर्थम कल्पितम लिखा है, हमने कहते हैं स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि सुंदरम, अद्वैत से भी सुंदर है। सभा निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक, किसी तरह कोई चिंता नहीं, को भय नहीं, को उद्वेग नहीं, को शंका नहीं, को हलचल नहीं, परमात्मा के ऊपर निर्भर। लौकिक में विश्राम लेते हैं, ज्ञानी होता है वो तो बंदरी का बच्चा है और भगत होता है वो बिल्ली का बच्चा होता है। बंदरी का बच्चा तो खुद पकड़ता है बंदरी को, बिल्ली का बच्चा खुद नहीं पकड़ता बिल्ली को, बिल्ली पकड़ती है आंसू पर, खुद हाथ में यूं कर देता है। अब जहां मर्जी हो ले जाओ, जहां मर्जी हो बिल्ली पकड़ती है। इस बार से भगवान के भक्त के लिए तो भगवान ही है, जो कुछ करो तुम्हारी मर्जी है। इसी का नाम शरणागति है, तेरी मर्जी भी मर्जी, हमारी मर्जी स्वतंत्र है ही नहीं, कोई स्वतंत्र चाहना नहीं, कोई स्वतंत्र अपना विचार नहीं, केवल प्रभु के चरणों का शरण आश्रय है। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास, अनन्य भाव से शरण हो जाए। अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं, अपनी सब कुछ जिम्मेवारी, अपना बालक अपनी विद्या का अपनी बुद्धि का अपना आश्रय कुछ छोड़ दे, सब भगवान करे। पर भगवान कहते मां सोच तो चिंता मत कर, वैश जो जाको शरणो नियो ताकता की लाज, उल्टे जल बसली चले बहो जात गजराज, जाको शरणो नियो ताकता की लाज। अब आश्रय उसे ले लिया और आश्रो छोड़ आश्रो दियोनो कुमर कन्हाई को, बनवारी आज मायरो भजन आने भाई, और आश्रो छोड़ आश्रो लीनो कुमार भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया। तो साधक के अपने बल से सिद्धि होती है ज्ञान में, और वहां भगवान के बल से सिद्धि होती है, भगवान की कृपा उस पर विशेष बरसती। ज्ञानी पर कृपा न करे ये नहीं है, वहां वो ज्ञानी कृपा की आवश्यकता ही नहीं समझता, इस बात तो उसको कोई जरूरत नहीं किसी बात की। वो सर्वथा स्वतंत्र हे सच्चिदानंद घन में सतह स्थिति स्वाभाविक, भगत के स्वतंत्र नहीं, वो तो भगवान के अधीन है। एक आश्रय एक बल, भगवान का ही बल है, भगवान का ही आश्रय है। तो ये चीज बढ़िया बहुत है, प्रकृति के अनुसार है, जिसकी स्वतंत्र प्रकृति है और तेजी का वैराग्य है उसके लिए ज्ञान योग वो सिद्धि करने वाला है। और ऐसा तेजी का वैराग्य नहीं है वो देश में से है सर, तो उसके लिए बाहर ना ति सकते हो ना विरक्त हो, न तो अत्यंत आशक्त है नहीं तो विरक्त है, उसके लिए भक्ति योग उससे सिद्धि दा, उसको भक्ति योग सिद्धि देने वाला है। सांख योग तो अत्यंत वैराग वाले के लिए, कोई राग नहीं है किसी वस्तु में, किसी अवस्था में, किसी परिस्थिति में, किसी घटना में, किसी क्रिया में कोई राग नहीं,
सर्वथा निर्लिप्त है संसार से, वो ज्ञान योग का अधिकारी होता है और कर्मियों का आश्रित होता है संसार में लिप्त, वो कर्मियों का अधिकारी। क्यों? क्रिया करने की उनकी आसक्ति है तो क्रिया तो करे, पर आसक्ति अंश का त्याग कर रहे, दूसरों के हित के तो भोगों में आसक्ति है, वो दूसरों के लिए काम करे, कर्मयोग वो काम, कर्मयोग तो काम ही ना, कामियों के लिए कर्मयोग है और अत्यंत प्रयुक्तों के लिए ज्ञान योग। तो संसार में अत्यंत आसक्त है, भोगी है, वो तो सत्संग में आते ही नहीं, उनको तो भगत ही नहीं मिलता और आवश्यकता भी नहीं समझती, कमाते हैं खाते हैं मिलता है, कामोपभोग परमा एतावत निश्चित। संसार के पदार्थों का संग्रह करना, जुटाना, उनका भोग भोगना, ये परम। अब सत्संग में आते हैं, कामना रहती है तो वे कर्मयोग के अधिकारी होते हैं और उनमें जो विरक्ति नहीं, राशक्ति नहीं रहे बीच में, वे भक्ति योग भगवान के चरणों को आश्रय ले, उनका सब प्रबंध भगवान करते हैं। बिल्ली का बच्चा अपना नहीं करता कुछ भी, वो ले जाता तो हाथ पर क्यों कर लेता वो बड़े ढंग से उठाती है। पाणिनी महाराज ने शब्दों के उच्चारण विषय में दृष्टांत दिया है, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दृष्टाभाम नीरेत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वत वर्णान प्रयोजित। अक्षरों का उच्चारण कैसे करे तो बताया, जैसे व्याघ्री सिंहणी अपने बच्चों को उठाती है तो दो निगर रखती हो, गिरे भी नहीं दांत भी न लगे, ज्यादा लगे तो दांत लग जाए, ज्यादा ढीला रहे तो गिर जाए तो चोट लग जाए। भीता पतन भेदाभ्याम, पतन और भेद से भीत भयभीत, तद्वत वर्णान प्रयोजित, इस तरह से वर्णों का उत्साह करना चाहिए। सब लोग जान गिर जाए पद शब्द या नारायण नारायण श्याम तो दरकार लग गई उसमें, तो गीता पतन भेद ऐसे बीच में न गिरे और न भेदन हो, ऐसे शुद्ध शब्दों का ठीक ठीक उच्चारण करे, जैसे बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है वो गिरे भी नहीं शब्द और पीड़ित भी नहीं हो, ये दृष्टांत दिया है वहां पाणिनि शिक्षा में। तो भगवान के शरण होने वाले को भगवान ऐसा रखते हैं वो भेद होता ही नहीं, पतन भी नहीं होता, दोनों से भगवान उसका रक्षण करते हैं। संसार का और कोई भय नहीं उसको, और पतन भी नहीं होता, न मे भक्त प्रणश्यत, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। वो नारद जी के विषय में आया ना, सिंह पे चाप सके को चाशु बड़ रखवार रमापति जासु, उनके क्या विघ्न हो सकता था, बड़ रखवार रमापति, जिसकी बड़े रखवाल रघुमाती भगवान, जिसके रखवाल बालन को कर सके जो जग गरी हो, उस परमात्मा के चरणों का आश्रय। तो हरी शरणम का आश्रय है ये कि भगवान ये शरण हो गया, निश्चिंत निर्भय हो जाएगा, भगवान की याद आती रहती मीठी मीठी, उसमें भजन करना पड़ता नहीं है, भजन छूटता नहीं है, प्यार होता है ना, प्रियता होती है, वहां स्वतः आकर्षण होता है, मन तो आकर्षण का है, प्रियता पैदा होती है, तो भजन होता है, भगवान मीठे लगे, बच्चा माँ माँ करता है, माँ ना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ऐसे भगवान का प्यार होता है, अच्छा लगता है, भगवान की लीला अच्छी लग रही, भगवान के गुण अच्छे लगे, भगवान का प्रभाव अच्छा लगे, भगवान का तत्व अच्छा लगे, भगवान स्वरूप अच्छा लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे,
और कोई चिंता नहीं। मत चिंता मर्गत प्राणा बोध यंत परस्परम कथयंत मांग नित्यम तुष्यंति से रमानते। छह बात बताई, मत चिंता मर्गत प्राणा, मेरा ही चिंतन होता है, चिंतन भगवान का। मदगत प्राणा, प्राण मदगत होते हैं, वो प्राण भगवान के लिए, प्राणों से चेष्टा होती है, मात्र चेष्टा भगवान के लिए, और प्राण है जीवन है वो भगवान के लिए, जीना भगवान के लिए, और कोई है मतलब नहीं, किसी से जीने से मतलब नहीं। मदगत आप, मदगत प्राणा, आपस में मिल जाए तो बोध यंत्र परस्परम, एक एक को बात सुनाते, ये देखो भगवान कैसे कहे, ये बात ठीक है, ये ठीक है, और सुनने वाले मिल जाए तो कथे अंतर से मांग लेते हो, कथन करे मेरा, इसी में तुष्यंति से रमनते ये संतोष होता है, ये रमन होता है, क्या होगा क्या नहीं है इसकी चिंता नहीं होती। भगवान कहते उनका अज्ञान तम तमा हम नाश है, उनका अज्ञान से अंधकार को मैं नाश करता हूँ, आत्मभाव से भीतर में रहता हुआ मैं अज्ञान अंधकार को दूर करता हूँ, ये भगवान मौज की बात है। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यह निश्चिंत हो जाएगा। मीरा भाई ने कह दिया तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक गिरधर गोपाल है, एक आश्रो एक बल है, बस एक ही दूसरा न कोई। मोरदास कहा है, नर आशा करे तो कहो कहा विश्वास है, मेरे शरण हो जा रहे मनुष्यों की आशा रखेंगे, ये निहाल करेंगे वो निहाल करेंगे, ये तो कहा विश्वास, कहा मनुष्य बिना क्या करेगा, मनुष्य तो खुद परतंत्र है, मंगते से मंगता मांगे ताकि अकल कम, तो खुद मांगता चाहता है ये मिल जाए, वो क्या निहाल करेगा बताओ, खुद मांगता फिरता है। कुसम के देवर धनुजर मनुष्य रसो सब सब बिचारे माया विवश, बिचारे सब माया विवश, कहा अपन को हारे वहां अपन को हारे, मन मिल जाए कुछ सब हारे, वे माया बस विवश विचार पर बस है विचार, वे हमारे क्या न्याय करें, धनी मानते हैं कि हम धनवान है वास में गुलाम धन के, धन के गुलाम हमारे क्या न्याय करेंगे, लोगों को वहम रहता है कि धनी है हमारे को न्याय कर देंगे, धनी तो भक्त पर धोखा देगा भाई, न्याय कर कुछ नहीं करें, कुछ भी दे तो अधिक लेंगे, और बेचारे हुए लोभ के कारण से फंस जाते, धन्यवाद वे पैसों के गुलाम क्या करेंगे, निहाल निहाल करने वाले तो उदार होते हैं, उदार सर्वे भगवान ने भक्तों को उदार बताया, अर्थ 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 भगवान से धन मांगने वाले को भगवान उदार कहते, उदार आत्म जिज्ञास अर्थार्थी चार प्रकार, अर्थ को भी उदार, अर्थार्थी को भी उदार, अर्थार्थी धन मांगता है उसको भगवान उदार कहते हैं। क्यों कहते हैं उदार, कि मेरे से मांगता है, दुनिया का धन भी नहीं लेता, भगवान से मांगता है, तो मेरे आ गया ना इस पास उदार है, दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, भगवान के दरबार में सबका आदर होता है, दीन का आदर विशेष, रीति सदा चली आई, सदा से ही रीति है, वे अपना लेते हैं दीन जान कर, तो बस एक आस तो एक बार हरे शरणम हरे शरणम, पक्ष जैसे उड़ता है ऐसे 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 ठेरू जागर बा, ऐसे भगवान के चरणाक्षरण होकर आप चले, अपना कुछ नहीं, मैं उसकी मर्जी में मर्जी मिला दे, हाँ मिला दे,
जो होता है सो ठीक होता है, क्योंकि सब होता है वो भगवान के हाथ में है। करी गोपाल की सब हो, राम की ने चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, उसके उल्ट फेर करने वाला कोई नहीं है। राम की ने चाहे सोई होई, राम हमारे प्रभु, फिर हमारी ठीक ही करे, बेटी कैसे करे, बेटी है नहीं वहां भगवान की, हम बेटी होता ही। क्रोध हो भी देव से वरेण तुल्य, क्रोध भी भगवान का वरदान के समान है, तो क्रोध के उद्धार ही करेंगे वरदान के समान। किसी रामायण में आता है, रावण मरता है तब कहता है कि आप समझते हो हमारी जीत हुई, जीत मेरी हुई है, आपकी नहीं हुई है। मेरे जब तक प्राण रहे तब तक मेरे शहर में पैर नहीं रखा दिया तुम्हारे को, और तुम जीते जागते और तुम्हारे धाम को जा रहा हूँ। करो मना हो गया, जीत किसकी हुई? तो प्रभु भगत की जीत में राजी होते, पिता के सामने बच्चा खेलता है, पहले वो खड़ा होकर कुश्ती आता है, पिता गिर जाते राजी हो जाते, हमने गिरा दिया। ऐसे भगवान भगत से राजी होते हैं। भीष्म जी का प्रण करके अपना प्रण त्याग करके राजी होते, माता पिता का स्वभाव है, बच्चे की राजी भी राजी। ये उदार दरबार, उदार दरबार है। ऐसे प्रभु के रहते हुए क्यों इधर उधर भटके, क्यों इधर उधर आशा रखे, तरह तरह की इच्छा रखे और जगह जगह गुलामी करे। एक बासुरु, एक बदर, एक आशेष भगवान हमारे हैं। ये मीराबाई का स्वरूप है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस स्वरूप में मस्त मौज में आनंद। नारायण 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 नारायण, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।